हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल हर्षित यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब पर कंपटीशन के बारे में। एक्चुअल में जब भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हो, फिर चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, एनीवे कोई भी हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले कॉन्टेंट के बारे में कोई नो आइडिया, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, सबसे पहले एक चीज़ माइंड में आएगी, यूट्यूब पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल गुरुजी टेक में सबसे बड़े हैं तो लोग उनकी वीडियो देखेंगे, मेरा वीडियो कोई नहीं देखेगा। ठीक है, ऐसी कॉमेडी में अमित बनाना सबसे आगे है तो हमारी वीडियो कोई नहीं देखेगा। कंपटीशन सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आती है, यूट्यूब पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल गलत है। आनी चाहिए बट एक लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा नहीं। तो यूट्यूब पर क्या कॉम्पिटिशन रियलिटी में ज़्यादा है, जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। बट उससे पहले अगर पहली बार आ रहे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले अगर कोई ये सोचता है कि YouTube पर कंपटीशन हमें मिलेगा कि नहीं, उसका पहली चीज़ तो सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी काम करोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ भी करोगे, आप एक दुकान खोलोगे, एक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, कुछ भी करोगे, तो वहाँ पर आपको कंपटीशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड YouTube एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, मनी मिलता है, एवरीथिंग आपको मिलता है। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि YouTube पर कंपटीशन मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली बात है मिलेगा, बट रियलिटी में YouTube पर कंपटीशन नहीं है। ऐसा मैं दो रीजन के कारण कह सकता हूँ। पहला कि अभी तक इंडिया की हम बात करें, इंडिया में ऐसा कौन से पेरेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा IIT JEE का एग्जाम क्लियर कर दे? ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे से कहें कि UPSC इस एग्जाम की प्रिपरेशन मत करो? ऑल ओवर द इंडिया एवरी पेरेंट सपोर्ट करते हैं स्टडी में, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे लो। तो उस चीज में कंपटीशन आप सोचो कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया सभी लोग उसमें एग्जाम देते हैं वो, ठीक है। ऐसे ही स्टडी के रिलेटेड जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं, सभी में फुल पेरेंट का सपोर्ट होता है एंड काफी बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पर आओ, ठीक है, जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना रियलिटी में स्टडी वाला, उससे आपको क्या मिलती है? एक अच्छी जॉब मिलती है, ठीक है, जॉब मिलती है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी होगी, ठीक है। अब यही चीज़ आप YouTube पर अप्लाई करिए, अगर आप YouTube पर एक बार सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हैं तो ऐसे में आपको नेम मिलेगा जो कि आपको जॉब में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको फेम मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको मनी इतना मिलेगा कि एक जॉब नहीं दे सकती है, ठीक है। जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही, उसके बावजूद अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होना चाहिए, क्या बात सही है। IIT JEE एग्जाम है, अगर IIT कॉलेज मिलता है तो लोगों का ऐसा मानना है कि हाइएस्ट पैकेज आता है, IIT कॉलेज होता है जो उसका, ठीक है, तो ऐसे में उसी में ज़्यादा कंपटीशन है। अब YouTube पर आओ, YouTube तो उससे भी ज़्यादा बढ़ के देता है आपको, तो YouTube पर उससे ज़्यादा कंपटीशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। YouTube पर और सभी जगह से कम कंपटीशन है। ये तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो आज 2020 में या 2021 में, तो अभी तक YouTube पर कंपटीशन आया ही नहीं है, ठीक है, जब अभी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी कंपटीशन तो आगे आने वाले 10 साल में होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, YouTube पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, YouTube पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो ज़्यादा देर तक टाइम नहीं करता YouTube चैनल पर। मैक्स टू मैक्स 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, 3 साल करेगा, अगर वहाँ से उसका चैनल ग्रो नहीं होगा तो वो छोड़ के भाग जाता है, लेकिन वो चैनल YouTube पर पढ़ा लेता है, ठीक है। तो ऐसे में उसे भी कॉम्पिटिशन में हम काउंट करते हैं, बट एक्चुअल में वो हमें कॉम्पिटिशन में काउंट नहीं करना, क्योंकि वो बंदा काम नहीं कर रहा है। तो पहली चीज़ तो इससे कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है। अगली चीज़ क्या है कि अगर कोई इंसान, ठीक है, इंडिया की बात करें, अगर YouTube करना चाहता है तो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अभी तक YouTube के बारे में नॉलेज नहीं है। आउट ऑफ द कंट्री की बात करें, जैसे कि US वगैरह, वहाँ पर वीडियो क्रिएटिंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, फोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, जो कि इंडिया में आज के टाइम पे भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है बट नहीं है। अगर आप इंडिया में किसी भी पेरेंट के पास चले जाओ, वो बच्चा बोलेगा मैं YouTube करना है, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो पेरेंट्स नहीं देंगे, ठीक है, YouTube उन्हें पता ही नहीं एक्चुअल में है क्या चीज़। अगली चीज़, अगर वही बच्चा कहता है कि मेरे को IIT JEE प्रिपरेशन करना है या फिर मेरे को UPSC का एग्जाम देना है, तो ऐसे में पेरेंट्स वाले फुल सपोर्ट रहता है। एंड बस वही, तो जो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा है इन एग्जाम में, ठीक है, जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव वगैरह जॉब के लिए, उन सब में ज़्यादा भीड़ रहती है, बट YouTube में अभी तक इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेरेंट इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं करता है कि आप YouTube कर लो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसलिए आज के टाइम पर YouTube पर भीड़ नहीं है, बट
आगे आने वाले 10 साल में आप देखना, यहाँ पर जिस दिन पेरेंट्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, कुछ स्कूल्स मतलब कि एक तरीके से कोचिंग वगैरह खुल गए जहाँ पर पूरा यूट्यूब के बारे में गाइडेंस देने लगे, फिर आप सोचो यूट्यूब पर कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो सकता है। अभी तक यूट्यूब सिर्फ ऑनलाइन में है सारा चीज़, ठीक है, अगर कोई सिखा भी रहा है यूट्यूब के बारे में तो वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन कहीं भी नहीं है। जब ये चीज़ ऑफलाइन अप्लाई हो जाएगी ना तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ निकल कर आएगी जो कि अभी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको कंपटीशन के बारे में सोचना है तो बिल्कुल भी मत सोचिए। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कंटेंट, कंटेंट इज द किंग, ठीक है, कंटेंट अच्छा तो एवरीथिंग गुड, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि यूट्यूब पर बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन आज के टाइम पे नहीं है, कॉम्पिटिशन आगे आने वाले 10 साल बाद आपको पता चलेगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।